क्या इश्यूज है आपका, क्या बोलना चाहोगे आप, आपका नाम क्या है? मेरा नाम समीर खान है जी, और मैं मीरा रोड में रहता हूँ। मेरा इशू है कि मेरी बच्ची, मेरी डॉटर है जो 3 साल की है और कुछ महीने की है, और पिछले जब से वो पैदा हुई है, जब से ज़्यादा टाइम वो मेरे साथ नहीं रह पा रही है, क्योंकि उसकी माँ उसको हमेशा उसके मॉम डैड के पास ले जाती है और कोई भी अननोन रीजंस के साथ। अच्छा, ऑन टॉप ऑफ दैट उसके ऊपर बहुत सारे, ऐसा लगता है मुझे कि उधर उसको बहुत प्रॉब्लम्स हो रही होगी, क्योंकि मेरे पास रिसेंट फोटोज हैं जिसके अंदर उसके स्क्रैच के निशान है उसके गाल पे, और उससे पहले भी उसके निशान थे जो फेड हो रहे हैं, अभी वैसे भी दिख रहे हैं। उसके पैर पे का भी एक फोटो है मेरे पास जिधर उसको मार लग गई थी, और उन लोगों ने 5-6 दिन तक डॉक्टर को भी नहीं दिखाया। कितने साल की बच्ची है आपकी, क्या नाम है? 3 साल और कुछ महीने। आयरा खान नाम है। आयरा खान नाम है जी। तो आपका अभी रियल वाइज फाउंडेशन के पास में आप आए हो, रियल वाइज फाउंडेशन के तरफ से आपको किस तरीके की मदद चाहिए और क्या बोलना चाहोगे आप? मुझे सिर्फ ये मदद चाहिए, क्योंकि मैंने ऑलरेडी 2 बार एनसी लिखा चुका था जी, बट उसके बाद भी उसमें कुछ मतलब उसका कुछ किया नहीं गया आगे, और जब पुलिस के पास भी हम लोग गए तो वो टाइम पे ये बात हुई कि वो लोग ज्यादा कुछ नहीं देख सकते, कोर्ट के थ्रू जाना पड़ेगा। 2 बार एनसी लिखाने के बाद भी हम लोग हमेशा हम राइट चीज करने की कोशिश की है, क्योंकि ऑब्वियसली कि हम लोगों को ये नजर में नहीं आना है कि हम कुछ गलत कर रहे हैं, हमें हमेशा ऐसे ये दिखाने का है कि हम लोग को गवर्नमेंट फॉलो करने का है, और हम लोग ट्राई भी कर रहे हैं वो चीज की। इसके लिए 2 बार एनसी लिखाई बट उसके बाद कुछ नहीं हुआ। उसके बाद 3री बार हम लोगों ने ट्राई किया तो उन लोगों ने लिखी नहीं और बोले कोर्ट में डालो। बैकग्राउंड में लोग बोल रहे हैं कि तुम लोग राइट हो बट हम लोग कुछ नहीं कर सकते बिकॉज गवर्नमेंट सपोर्ट्स वुमेन। तो गवर्नमेंट जहां वुमेन को सपोर्ट कर रही है तो वो बहुत अच्छी चीज है, बट डिसएडवांटेज जो ले रहे हैं उसका, उससे मुझे प्रॉब्लम है, क्योंकि डिसएडवांटेज की वजह से एक बच्ची सफर कर रही है। क्या डिसएडवांटेज आप बताएं? डिसएडवांटेज ये है कि वो उसकी केयर नहीं कर पा रही है। जैसे कि बच्ची जब पैदा होती है और उसके दांत निकलते हैं तो सबसे पहला चीज ये एक माँ देखती है कि उसकी बच्ची को क्या चीज की नीड है। सबसे पहली चीज जो सबसे इम्पोर्टेंट एक माँ को देखने के लिए, एक छोटी सी बेसिक चीज है जैसे कि उसके उसके दांत में कैविटीज शुरू हो गई है अभी, क्योंकि उसको वो ब्रश नहीं कराती है। अब बच्ची मेरे पास नहीं है, नहीं तो मैं एवरीडे केयर कर सकता हूँ उसकी, बट उसके पास है तो कैविटी पूरे दांत में, वो भी मैं दिखा सकता हूँ अगर वो मेरे सामने आएगी तो, क्योंकि मैंने जितने करा सका, एक कैविटी का दांत एक बार में ठीक हो सकता है, तो वो मैंने ठीक करा दिया। लेकिन उसके बाद वो ले जाती है वापस, तो वो बहुत सारे उसको तकलीफें और भी है। अच्छा, अभी आपकी जो वाइफ है वो आपके साथ में रहते कितने दिनों से, वो बच्ची के साथ में बच्ची को लेके चले गए मायके? तो ये तो जब से उसकी और मेरी शादी हुई है मैक्सिमम यही हुआ है कि वो वहां चली जाती है, और वो उसका थोड़ा बिहेवियर अननेचुरल है, जैसे कि नेचुरल नहीं लगता, और उसके घर वालों ने भी हम लोगों को पहले कभी बताया नहीं था ये बात, और अननेचुरल मतलब इस तरीके से हो गया कि जैसे कि उसका अंधेरे में खाना खाना, वो खाना खाती है तो वो टाइम पे अंधेरा होता है और सब सो गए होते हैं, उसके बाद खाती है, आई डोंट नो व्हाई बट होता है ऐसा। उसके अलावा और भी ऐसी बहुत अनयूजुअल चीजें करती है, जैसे कि एक बार उसने बच्ची की ऐसी जगह पे, जो जगह पे हम डिस्क्राइब भी नहीं कर सकते, वो जगह पे उसने लिख दिया आयरा प्यारी मार्कर से, और बाद में ना मम्मी, जब मेरी मम्मी ने देखा और उससे पूछा तो उसने सिर्फ हंसने लगी। फिर बाद में हम लोग नेबर्स को बताया, क्योंकि हम लोग फिर भी यही चीज के थ्रू, अगर हम लोग नहीं बताते तो किसी को पता ही नहीं चलता, बट अभी एटलीस्ट नेबर लोग हैं जो देख सकते हैं, हाँ, और उन लोग ने बताया कि हाँ ये क्या करा है, और उसको डांटा भी बट कुछ असर नहीं हुआ। उसके बाद भी उसकी यही चीज थी, केयरलेस थी वो बच्ची को लेके बहुत, और मैं सिर्फ ये बोलना चाहूंगा कि फिलहाल उसकी जिंदगी बहुत खराब हो रही है। उसको अभी तक स्कूल में ज्वाइंट होना चाहिए था लेकिन वो स्कूल ज्वाइन नहीं कर पाई है, क्योंकि उन लोग करने नहीं दे रहे हैं उसको, और वो लोग बोलते पढ़ेगी तो खराब हो जाएगी बच्ची, और उन लोग चाहते किसने बोला आपको पढ़ेगी तो? सो रिसेंटली मेरी मॉम जब गई थी आयरा से मिलने के लिए, तो उसके बाप ने ये क्लियरली वर्ड्स में बोल दिया कि है ना, हम इसको सिर्फ 5वीं तक पढ़ाएंगे म्युनिसिपैलिटी हॉस्पिटल में, और म्युनिसिपैलिटी स्कूल में पढ़ाएंगे, 5वीं तक पढ़ाएंगे। अच्छा। और 5वीं से आगे नहीं पढ़ाएंगे क्योंकि बच्चे खराब हो जाते ज्यादा पढ़ने से, उसके ऊपर से उनका मानना है, क्योंकि आपकी आपकी जो बच्ची है उनकी वाकई में लाइफ खराब हो रही है, इस वजह से आप चाहते हो कि रियल वाइज फाउंडेशन आपको मदद करे और बच्ची आपको, बच्ची का जो आपका अधिकार है, हक है, वो मिलना चाहिए आपको। जी हाँ, क्योंकि मैं वो चीज फॉलो करना चाह रहा हूँ, जैसे बच्ची पढ़ाओ बच्ची पढ़ाओ आज हमारी गवर्नमेंट बोल रही है ना, उसी तरह से मैं चाहता हूँ बच्ची को पढ़ाने और बढ़ाने के लिए, तो इसलिए मैं चाहता हूँ मैं मेरी बच्ची को रखूँ और मैं उसको अच्छी परवरिश दूँ। उन लोग ने तो ये भी क्लेम किया 17 साल की उम्र में उसकी शादी कर देंगे, विच इज ऑल्सो गवर्नमेंट के अगेंस्ट है, लेकिन आज पता नहीं सामने बोले या नहीं बोले, बट प्रॉब्लम ये है कि वो लोग हमें बोल रहे हैं ये चीज और वो कर रहे हैं लोग, और उनको करने मिल रहे हैं। अच्छा, मुझे आप ये बताइए, रियल वाइज फाउंडेशन से आपकी आपको किस तरीके से मदद चाहिए और क्या मदद चाहिए आपको अभी फिलहाल? फिलहाल मुझे ये मदद चाहिए कि मेरे को मेरी बच्ची चाहिए वापस मेरे घर में, और मैं उसको
जल्द से जल्द स्कूल ज्वाइन करा सकूं, मैं उसकी पढ़ाई शुरू करवा सकूं, और अभी फिलहाल उसके दांत में जो भी प्रॉब्लम हो रही है उसके कान में भी पस शुरू हो गया है। आई डोंट नो लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, बट वो सब मुझे ठीक करना है उसको। और दूसरी चीज, मुझे ये डर है क्योंकि इसीलिए मैंने 2 NCV लिखाई है कि वो हम लोगों पे अटैक करती है अगर वो घर पे रहती है तो मुझे कुछ ऐसा चाहिए कि जिससे रूल बने कि मतलब अगर वो आगे चल के कुछ करे और हम लोग दिखाएं तो उसका कुछ एक प्रॉपर एक्शन लिया जाए, वुमेन एम्पावरमेंट का रॉन्ग मिसयूज नहीं हो, मैं ये चाहता हूँ। अच्छा, मैं ये बोलना चाहूंगा कि आपको ऐसी कोई धमकी मिलती है, केस कर दूंगी, झूठा केस कर दूंगी ऐसा? हाँ, ये तो मिलती रहती है, और ये तो अभी रिसेंटली उसके डैड ने भी दिया था कि हम तो कोई भी केस मार देंगे, हम तो डाउरी का केस मार देंगे और हम तो वुमेन फिजिकल अब्यूज का केस मार देंगे, लेकिन हम लोगों को मालूम है हम लोग राइट है क्योंकि सबसे जो नजदीक इंसान है वो है पड़ोसी और हमारी बिल्डिंग, और हम लोग सोसाइटी में रहते हैं, ऐसे चौल में नहीं रहते जिधर कोई बोल नहीं सके, तो वहाँ लोग हैं जो बता देंगे कि हम लोग किस तरीके से रह रहे हैं और हम लोग उस पर अब्यूज कर रहे हैं या वो हम लोगों पर अब्यूज कर रही है कोई भी चीज का, ये पता चल जाएगा। आपके ससुराल वालों का आप क्या बोलना चाहोगे 2 शब्द में कि किस तरीके से जो वाकई में लापरवाही बच्ची की हो रही है और उनकी जो आपकी जो वाइफ है उनकी भी हो रही है, आप क्या बोलना चाहोगे उसके बारे में? मैं चाहूंगा कि फिलहाल के लिए तो सबसे पहले वो लोग मेरी बच्ची को मेरे हाथ में दे दें ताकि मैं उसकी अच्छी तरीके से परवरिश कर सकूं और उसको एक अच्छा फ्यूचर दे सकूं। दूसरी चीज, मैं चाहता हूं कि पहले वो अपनी बेटी की, जैसे उनने हमें कभी बताया नहीं कि मुझे लगता है लेकिन अभी भी कि उसको कुछ सीरियसली प्रॉब्लम है, मैंने ट्राई किया है, मेंटली कुछ प्रॉब्लम है, आई एम नॉट क्लेम नहीं कर रहा हूं क्योंकि मैंने कभी ट्राई किया अपॉइंटमेंट लेने की लेकिन उन लोग कभी टेस्टिंग के लिए आए नहीं साथ में, और ना तो वो आई है, वो घर चली जाती थी, तो इसके लिए मुझे नहीं पता है, बट मैं चाहता हूं कि उसका इलाज हो चाहिए, तो मैं अभी भी इलाज करने के लिए भी तैयार हूं उसका, लेकिन मैं चाहता हूं एक अश्योरिटी डॉक्टर से कि हाँ अगर इसका 100% अब ठीक है तो मैं चाहता हूं कि वो उसको भी मैं छोड़ना नहीं चाहता हूं, मैं चाहता हूं अगर वो भी अगर फिर भी ठीक हो के अगर मेरे पास आना चाहती है और बच्चे को ठीक रख सकती है सो आई एम ओके विद इट, और मेरी मॉम को खतरा नहीं है तो। अच्छा, मुझे ये पता है आप बच्ची आपके पास में बच्ची पालने के लिए आप तो जॉब पे चले जाते हो, तो बच्ची पालने के लिए तो कोई ना कोई घर पे होना चाहिए, या तो आप दूसरी शादी करोगे ऐसा कुछ है आपके मन में कुछ चल रहा है? नहीं, फिलहाल तो मेरे दिमाग में ऐसा कुछ नहीं है, फिलहाल तो सबसे बड़ी चीज क्योंकि मैं ऑलरेडी ये चीज देख के मुझे तो नहीं लगता है कि अभी मुझे ये चीज में इंटरेस्ट रखना है कि मुझे शादी करना है या मुझे कोई और लड़की देखना है, मेरा मेन मोटिवेशन ये है कि मुझे मेरी बच्ची को बढ़ाने का है, तो बच्ची का केयर करने के लिए फिलहाल तो मैं भी हूँ और मैं काम के साथ साथ मैनेज भी कर सकता हूँ और मैं बहुत अच्छा मैनेज कर रहा हूँ, बीच में 5-6 दिन के लिए जब वो आई थी तो मैं कर सकता हूँ, और ऊपर से मेरी मॉम है जो उसको सपोर्ट करती हैं और जो उसका उसकी माँ से ऑलरेडी बेहतर ख्याल रख रही हैं, अभी भी अगर मेरे बच्ची घर पे आती है और उसके रहते हुए भी उसके एग्जिस्टेंस में वो मेरी मॉम के पास ही रहती है, तो वैसे भी अगर देखा जाए तो मेरी मम्मी कर रही है और अभी भी हम ही संभाल रहे हैं उसको। अगर वो बच्ची किसके पास आना चाह रही है अभी फिलहाल? बच्ची चाहती है मेरे पास, और उसने एक बार ऐसा हुआ था कि एनसी के टाइम पे पुलिस स्टेशन के सामने हम लोग पुलिस के सामने भी बैठे थे जिसमें पुलिस ने बोल दिया था नहीं हम कुछ नहीं कर सकते कोर्ट से जाओ जब तक बच्ची माँ के पास रहेगी, तब बच्ची रोते रोते चाह रही थी मेरे पास रहना लेकिन फिर भी उसको छीन के दे दिया, और बच्ची आज भी अगर बोलेंगे कि उसको किधर रहना है वो उसके एटीट्यूड से और उसके रहने के ढंग से ही लोग समझ जाएंगे कि उसका कहाँ अट्रैक्शन है, और बच्ची जरा भी नहीं चाहती माँ के पास जाना, ये चीज तो मुझे भी शॉकिंग लगती है क्योंकि बच्ची हमेशा बोलती है कि मुझे मेरे बाप के पास ही रहना है, जब से वो बोलना सीखी है जब से तो यही बोल रही है।